तो आज के हमारे इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला। जी हाँ, एरे फॉर्मूला आज का हमारा टॉपिक है। और ये फॉर्मूला की समझिए तो आपके लास्ट क्लासेज है। तो एरे फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जैसे हमने यहां पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5। हम इसको इकट्ठा एक ही सेल में लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया तो देखिए, तो ये आप अलग अलग सेल में लिखें या उसको एक ही सेल में लिख दें ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब क्वेश्चन आता है, इसका फायदा क्या है? चलिए मैं यहां पे अपना नाम लिखता हूं और मुझे इसको हर नाम के हर एक लेटर को अलग अलग सेल में डालना है। तो जैसे मैंने यहां पे डाला, कैसे डालेंगे? तो मिड फॉर्मूले से इक्वल मिड, मिड में इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला कि स्टार्ट एक से करो और नंबर ऑफ कैरेक्टर एक लो। फिर वापस मैंने यहां पे लगाया मिड का फॉर्मूला, सिलेक्ट किया और बोला कि स्टार्ट 2 से करो और 1। फिर वापस मैंने यहां पे लगाया मिड फॉर्म और यहां पे कॉमा 3, कॉमा 1। यहां पे स्टार्ट किया मिड, इसको सिलेक्ट किया और यहां पे 3, कॉमा 1। नहीं, 3 नहीं, 4 हो रहा है, 4, कॉमा 1। फिर वापस हमने मिड का कॉमा लगाया, इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला 4, कॉमा 1। 4 नहीं, 5, 5, कॉमा 1। और यहां पे मिड लगाया, इसको सिलेक्ट किया और बोला 6, कॉमा 1। सो आपने यहां पे देखा कि मैं यहां पे एक एक सेल पे जाके फॉर्मूला लगाया। सारा फॉर्मूला सेम है बशर्ते इनके अंदर दी गई नंबर्स। तो हम यहां पे सिंपली मिड का फॉर्मूला लगाए, इसको सिलेक्ट करें, कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाल दें, यहां पे कॉमा हम कर देते हैं 1, एंटरप्रेट करते हैं। आप देखिए एक ही बार में सारा फॉर्मूला। तो एरे क्या करता है? जो काम हम कई सारे सेल्स में करते हैं वो काम एरे जो है एक सेल में कर देता है, एक फॉर्मूले में कर देता है। तो बेसिकली एरे का जो है टाइप क्या क्या होते हैं? पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन, है जो आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग सेल में वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना। दूसरा होता है कैलकुलेशन, फॉर्मूला को कैलकुलेशन करना। और तीसरा होता है स्टोर द डेटा, डेटा को स्टोर करता है। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम्पल देख लिए, अब हम कैलकुलेशन एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे हमने कुछ नेम लिखे हैं, मुझे क्या करने हैं इनमें से कैलकुलेशन करनी है। मतलब सबसे पहले तो सब में मुझे +100 करना है। फिर यहां पे लिख देता हूं कि एड 100, फिर डिवाइड बाय, यहां पे डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 और +600 ना माइनस, माइनस हमने यहां पे लिख दिया 50, माइनस 50। अरे ये सारा कैलकुलेशन करना है और एंड एंड लास्ट में मुझे क्या करना है? सम कर। तो यहां हमने क्या किया? सबसे पहले +100 किया और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। सब में इंडिविजुअली करना है मुझे।
फीस को डिवाइड बाय टू करना है, तो सबको हमने डिवाइड बाय टू कर दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री करना है, तो सबको मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दिया। फिर इसमें हमने -50 कर दिया। आप बोलेंगे तो ऐसा कर क्यों रहा है? मान लीजिए इस तरह की कुछ कैलकुलेशन हो, किसी तरह इस तरह की कोई कैलकुलेशन है, और फिर यहां पे मैंने क्या किया, सम कर दिया, सम इसको सिलेक्ट कर दिया और क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो 959 टोटल रिजल्ट आया। तो आपने देखा कि इस 959 के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 959 के लिए मुझे यहां कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहां कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहां कैलकुलेशन करना पड़ा, इतने सारे कैलकुलेशन मुझे करने पड़े। लेकिन इसी कैलकुलेशन को यहां हम एक सेल में करेंगे, हम यहां करेंगे सम, हम सिलेक्ट करेंगे अपने डेटा को। अब यहां पे +100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -50, एंटर मार, रिजल्ट गलत आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसमें बोर्ड मास मेथड नहीं यूज किया, मतलब कि ब्रैकेट से हर कैलकुलेशन को सेपरेट नहीं किया। तो हमने हर कैलकुलेशन को ब्रैकेट से सेपरेट करते हैं। और एंटर प्रेस आ गया रिजल्ट। अब आप डिसाइड कीजिए कि विदाउट एरे इस रिजल्ट के लिए हमने इतना सारा सेल को यूज किया, कैलकुलेट किया, देन रिजल्ट यहां पे एक जगह पे आया, और इसी सारी कैलकुलेशन को हमने एक सेल में डाल दिया कि यहां पे कंटिन्यू होकर सेल आ गया, तो एक कैलकुलेशन हुआ। तीसरा जो आता है वो आता है आपका सेविंग, स्टोर द डेटा, किसी डेटा को स्टोर कर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे सिटी कोड है और यहां पे सिटी है, तो यहां पे मैंने लिस्ट बना रखा है सिटी कोड का, कि अगर 1 आएगा तो हम दिल्ली लिखेंगे, 2 आएगा तो हम नोएडा लिखेंगे, 3 आएगा तो हम यहां पे गुरुग्राम लिखेंगे, 4 आएगा तो अब यहाँ पे फरीदाबाद लिखेंगे या फिर पुणे लिखेंगे, 5 आया तो मैं यहाँ पे पटना लिखूंगा, इस तरह से। तो इसके लिए आप चूज कर, अब यहाँ पे 1 2 3 हो सिक्वेंस लिया, लेकिन हो सकता है सिक्वेंस ना हो, तो यहाँ चूज तो यूज कर नहीं सकते, यहाँ पे आपको इफ यूज करना पड़ेगा। बट इफ के अंदर क्या है कि हम यहाँ पे इक्वल टू 1 कर दें फिर दिल्ली आएगा, इस तरह से। लेकिन बोलेंगे सर आप इसे क्यों यूज कर रहे हो, वीलुकअप लगा लो। जी हाँ वीलुकअप लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसके लिए डेटा रखना पड़ेगा। मैं डेटा नहीं रखना चाहता हूं किसी सेल में, मैं चाहता हूं मेरा डेटा मेरे फॉर्मूले के साथ स्टोर हो जाए, क्या हो जाए, स्टोर हो। तो यहां मैं क्या करूंगा, इक्वल वीलुकअप, वीलुकअप इसको सेलेक्ट किया इन द कर्ली ब्रैकेट। अब एक चीज यहां पे जान लीजिए इस यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन में, कि अगर मैंने इन्वर्टर कॉमा लिखा 1, 2, 3, 4, तो ये जो कॉमा है ये क्या है, कॉमा जो आपका क्या है, कॉलम को सेपरेट करते हैं, और सेमी कॉलन जो है क्या करता है, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे एंटर प्रेस किए तो सेमी कॉलन जो है रो को कर दे, जहां पे सेमी कॉलन था वहां से टूट के रो आ गया। तो सेम फीचर यहाँ अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप, हम इसको सेलेक्ट करेंगे इन दी कर्ली ब्रैकेट, हम 1, यहाँ पे देंगे दिल्ली, सेमी कॉलन 2, यहाँ देंगे नोएडा, 3,
कॉमा यहां देंगे हम गुरुग्राम। बट यहां पे हमने गलती किया, यहां पे सेमी कॉलन, कॉमा नहीं सेमी कॉलन, रोग है ना, अगली रोग है। अब इसके बाद यहां पे कॉमा 2, 0 कर दीजिए, एंटर मारिए, देखिए नोएडा आ गए। बट इतना मान ज्यादा होगा तो कौन लिखेगा? तो यहां पे एक फॉर्मूला आता है एरे टू टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां पे हमने 1 दे दिया तो क्या होगा? ये मान लीजिए मुझे पूरा देना था ना, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा एरे टू टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट कीजिए और यहां पे 1 दे दीजिए, सारा सारा को यहां पे दे दीजिए। अब इसको कॉपी करके इसके ऊपर वैल्यू पेस्ट कर दीजिए और फिर इसको कॉपी करके वैल्यू पे फॉर्म में डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन डेटा यहाँ पे आप इसे DT कर दीजिए या फिर नाम दे दीजिए और कर्ली ब्रैकेट वाला जो था यहाँ पे डाल दीजिए, देन ओके। अब यहाँ पे मैं देता हूँ 3 और यहाँ देता हूँ VLOOKUP, सो सेलेक्ट किया और हमने डेटा डाल, डेटा DT होगा ना, DT कॉमा 2, तो हम एरे फॉर्मेट में डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। तो एरे के 3 पार्ट है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कैलकुलेशन और तीसरा स्टोर द डेटा। अब चलिए हम एरे के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं, एरे लगाने का तरीका है। अगर समझ में आ जाएगा तो एक एग्जाम्पल काफी, समझ में नहीं आया तो 100 एग्जाम्पल भी कम पड़ेंगे। यहां से देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे कुछ नंबर्स दिए और हमने यहां पे भी कुछ नंबर्स दिए, कुछ हम छोड़ भी दिए। अब मैंने यहां पे क्या किया, एक कैलकुलेशन किया, इनको आपस में डिवाइड कर, तो यहां पे आ गए एरे। तो मैं चाहता हूं कि यहीं पे हम डिवाइड ना करें, यहीं पे मुझे इसका टोटल आए। पहले तो मैं यहां पे डिवाइडेशन हटा देता हूं, हाँ मुझे यहां दोनों का टोटल आए, मुझे ना करना पड़े डिवाइड। तो यहीं पे लिखूंगा मैं सम, सम में मैं बोलूंगा कि इसको ए जो है डिवाइड बाय ए, इकट्ठे दे दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच बीच में 0 हुआ तो एरर आएगा, तो यहीं पे आप क्या कर दीजिए, इफ एरर का फॉर्मूला लगा दीजिए कि इफ एरर और यहां पे आप दे दीजिए कॉमा 0, यहां पे एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब चलिए इसमें और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहां पे नेम लेता हूं, यहां पे क्वांटिटी सेल्स ले लेता हूं, कॉपी और यहां पे करता हूं वैल्यू पेस्ट। अभी क्या है कि मुझे यहां पे पूजा का टोटल चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम यहां पे सम इफ लगा लेंगे, सम इफ, और यहां पे बोलेंगे इसमें जाओ पूजा को मैच करो, यहां पे रिजल्ट आए। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास जो है इस तरह के कि मुझे 3-4 लोगों का टोटल चाहिए, यहां पे इकट्ठे टोटल चाहिए, तो क्या करेंगे हम, यहां करेंगे सम। हमको अलग अलग चाहिए यहां पे, तो हम यहाँ पे सम इफ भी लगा सकते हैं कि सम इफ हमने लिया और जो रेंज रहा वो इकट्ठे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया एन, रिजल्ट क्या आ गया, सम आ गया, तीनों अलग अलग। लेकिन मुझे यहीं पे तीनों का टोटल चाहिए, तो क्या कीजिएगा आप, सम के अंदर सम इफ लगाइएगा और सम इफ में हमने रेंज दिया। अब क्राइटेरिया बोलता है एक दीजिए, बट एरे में आप एक से ज्यादा क्राइटेरिया आसानी से डाल सकते, और ये रहा हमारा समरी। हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने इस तरह से।
अब चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे हमने आपको सिखाया था टॉप बॉटम, तो यहां पे 1 2 3 4 5, तो यहां पे मैंने बताया था लार्ज का फॉर्मूला। किसका? लार्ज का। लार्ज में हमने क्या किया, इसको लिया, इसको लिया, एंड दिस। और नीचे ड्रैग करेंगे तो सारा लार्ज मुझे दिख जाए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं इकट्ठा एक जगह पे, क्योंकि अलग अलग फॉर्मा लगाएंगे, जैसे टॉप 20 हो गया, टॉप 10 हो गया, टॉप 100 हो गया, अब उसका टोटल मुझे सारा जोड़ के चाहिए, तो इस तरह से अगर एक एक सेल में लगाएंगे तो हो जाएगा प्रॉब्लम क्या। तो यहां पे कुछ ऐसा चाहिए जो यहां पे सारा का सारा मुझे ऑटोमेट कर। तो यहां हम यहां पे से 5 लिख रहे, और यहां पे इक्वल किए सम, सम में दिए हम लार्ज का फॉर्मूला। किसका? लार्ज का। अब लार्ज फॉर्मूले में हमने क्या किया, सिलेक्ट किया इसको, और यहां कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया, और यहां पे हमने मार दिया एंटर। रिटर्न आ गया रिजल्ट 418। अब इसी को देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है, कि जाइए एवलेट फॉर्मूला। एवलेट फॉर्मूला में मैंने यहां पे किया, देखिए तो देखिए 90 85, मतलब लार्ज इतना बड़ा यहाँ पे नंबर दिया, लूप की तरह, जैसे वीवीए प्रोग्रामिंग में बाकी प्रोग्रामिंग में लूप होता है, उस लूप की तरह चला 1 से 5 तक, और रिटर्न कर दिया, रिटर्न 90 85 से रिटर्न कर दिया और सेम। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसके साथ लिंक करना है, तो इसके साथ माने इसे अगर मान लीजिए कि हम टॉप 50 करें तो 1 से लेकर 50 तक लिखना तो मुश्किल हो जाएगा क्या। तो यहां पे हम एक रो का फॉर्मा लगाएंगे। किसका फॉर्मा लगाएंगे? रो का। तो मैंने यहां लिखा रो 1 के साथ हमने बोला 50 इस तरह से, और एंटर प्रेस किया। तो देखिए 1 मिनट, एरर क्यों हो रहा है? नंबर कम है, ये 50 है ही नहीं तो एरर आएगा ना। तो 50 की जगह पे मान लीजिए हम यहाँ पे 15 कर देते, 15 का आ गया। तो क्या किया, तो जो हम कर्ली ब्रैकेट में मैनुअली 1, 2, 3, 4, 5 लिखते हैं, रो सेम काम किया इस तरह से, लेकिन इसको मुझे ऐड करना है किससे, इससे कनेक्ट करना है ना, तो जाहिर सी बात है कि हम कॉन्केट कर देते हैं। बट कॉन्केट करने पे प्रॉब्लम क्या होगा, अब यहां पे प्रॉब्लम देगा, क्यों, क्योंकि तो ये टेक्स्ट हो गया ना, अब टेक्स्ट को जो है रो समझेगा नहीं, रो को चाहिए रेफरेंस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट क्या करता है, रो को यहां पे 15 के 15 आ गया, 10 के 10। अब देखिए कर क्या रहा है, तो सबसे पहले यहां से इसने H10 से डेटा लिया जो कि 10 है, 10 लिया, फिर दोनों कंबाइन किया तो 1 to 10 आया, बट किसने आया, इनवर्टेड कॉमा, किसमें आया, इनवर्टेड कॉमा में। फिर इनडायरेक्ट ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया रेफरेंस। फिर देखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर टूटा और रिजल्ट आपके सामने। और यहां पे हम लेट करते हैं,
एक से लेके यहां पे तो तब तक आ गया और यहां पे रहा डेल। इसी चीज ही फॉर्मूले को अगर आप लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आप लार्ज लगा सकते हैं। और हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, और यहां पे हमने दिया कॉमा सीक्वेंस। एक फॉर्मूला आता है सीक्वेंस का, हमने बोला है मुझे ये जो 10 रो है ए चाहिए, कॉलम वन चाहिए, एक से स्टार्ट करना है और एक एक का स्टेप रख, मतलब तो एक दो तीन ऐसे रखना है। अब देखिए यहां इसी इसको तो ऐसे आया, इसको सम के अंदर लेना है ना, सम यहां पे आ गया। ठीक है, एबलेट फॉर्मूला देखिए यहां पर, तो सीक्वेंस ने भी वही कहा, तो आपको रो के साथ चलना है तो रो के साथ चलिए, सीक्वेंस के साथ चलना है तो सीक्वेंस के साथ चलिए। अब यहां पे एक एग्जांपल और जान देखते हैं, जैसे मुझे पूजा का टोटल चाहिए, राइट, तो बोले सर भी लुकअप लगा, पूजा का वैल्यू चाहिए, लुकअप करना है तो लुकअप कर दीजिए यहां से। बट मुझे पूजा की पहली वैल्यू नहीं चाहिए, पूजा की आखिरी वैल्यू जो 45 है या नीचे है ना, आगे 53, ये 53 मेरी वैल्यू चाहिए। मतलब कि मैं वी लुकअप यूज करता हूं तो हमेशा सबसे पहली वैल्यू दिखता है, बट मैं सबसे पहली वैल्यू नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं सबसे लास्ट वाली। तो क्या करें, तो सबसे पहले अभी देखिए जब भी एरे में समझ में आए तो मैनुअल वर्क कीजिए। मैंने यहां पे इफ कंडीशन लगाया, क्या लगाया, इफ, यहां पे इफ कंडीशन, इफ हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और बोला कि जहां जहां इक्वल टू मैक्स है उसका रो नंबर दे। देखिए देख आ गया, तो जहां जहां पूजा था उसका रो नंबर आ गया, रो नंबर मतलब कि ये देखिए पूजा का 38 है तो 38 आया। अब मुझे सबसे लास्ट वाला चाहिए ना, तो मैंने लगाया फॉर्मूला यहां पे किसका, मैक्स का, तो मैक्स फॉर्मूला ने मैक्सिमम रो नंबर दे दिया जो कि 38 है। अब 38 आ गया तो इंडेक्स फॉर्मूला लगाइए यहां पे और बोलिए कि इंडेक्स फॉर्मूले में यहां पे 38 रो एंड 2 कॉलम का डेटा आ जाए, तो 53 आ गया। अब ये दोनों फॉर्मूले को मर्ज कर दीजिए तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा वी लुकअप तरह का, वी लुकअप के जैसा, जो कि लास्ट डेटा को लुकअप, सिंपल। देखिए ध्यान रखिए अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो नॉर्मल एंटर मारिए, अदरवाइज आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना पड़ेगा एरे को परफॉर्म करने के लिए। अब चलिए इसी लुकअप की बात हो रही है तो एक एक एग्जांपल और देता हूं मैं। जैसे यहां पे हमारे पास वैल्यू है और मान लीजिए कि मैं यहां पे 47 को लुकअप करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहां पे वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा कॉमा वन करूंगा, तो 47 नहीं है, अब वन था इसलिए ऐसा हो गया, तो वन की जगह पे मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो यहाँ 0 नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1 रहेगा कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच में, तो 47 था तो आ गया, 48 है, 49 नहीं है, 55 है, 57 है, 59 नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू नहीं है ना उसकी नियरेस्ट दिखा दे कि 59 के नियरेस्ट कम और ज्यादा में कौन सा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो यहां देखिए मैं मैनुअल करके दिखाता हूँ फिर एरे में दिखाऊंगा। मैंने यहां पे लिखा एबीएस, एबीएस बाद में लगाऊंगा, पहले मैं करूंगा कि दैट इज -59, तो मैंने सारे नंबर्स को 59 से माइनस कर, नहीं, 59 माइनस इसको कर दो। ठीक है, तो यहां पे माइनस और प्लस में आ जाएंगे लेकिन मुझे माइनस नहीं चाहिए,
सो यहां लगाएंगे फॉर्मूला एबीएस का, एब्सोल्यूट रेफरेंस का, और फिर एंटर प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सारा माइनस प्लस प्लस हो गया। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला हम किसका, मिनिमम का, तो मिनिमम 33 है, नहीं नहीं उल्टा कर लिया हमने, A2 -59 है, और फिर इसको नीचे गए। ओ सॉरी, यहां हमने मिनिमम का फॉर्मूला लगाया, इसको से माइनस कर, उसे फर्क नहीं पड़ता, 2 आया, 2 मतलब कि यहां इसमें देखो 2 कहां पर है, 13, 57 है ना। अब मैं यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैच फॉर्मूले से मुझे इसके अंदर इस 2 का, जो 2 है, इस 2 का रो नंबर पता चले जो कि 41 है। फिर मैं यहां इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, इनडायरेक्ट लग गया इंडेक्स, और पूरे के पूरे इसको सिलेक्ट कर लूंगा कि मुझे इसमें का नहीं, और उल्टा कर दिया हमने, यहां पर लग यहां पर मैंने कर दिया कि इसमें से मुझे इस 41 रोमन का चाहिए, तो 56 रहा। अब इसको एरे में कैसे करते देखिए, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा मैच से, तो मैच लगाया, मैच में मुझे लुकअप क्या करना है, तो मिनिमम किससे मिनिमम करना है, तो A- एक पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दिया, और किस में लुकअप करना है, तो सेम नहीं, यहां पे एबीएस करना होगा ना, इसको मिनिमम फॉर्मूले के अंदर एबीएस में डालना होगा, एबीएस यहां भी हम एबीएस एबीएस करेंगे। एबीएस करने के बाद हम बोलेंगे कि पूरे नंबर को नहीं माइनस करना है, या फिर उल्टा कर दिया मैंने, दोनों जगह सेम होना चाहिए, 59 माइनस इसको सिलेक्ट कर एंटर प्रेस किया, हाँ कॉमा 0 लगाना भूल गया ना मैंने यहाँ पे, कॉमा 0 एग्जैक्टनेस 40 आ गया, बट यहाँ तो 41 आया था। हाँ बेसिकली हमने इसमें तो हमारा सिलेक्शन पूरा कॉलन था ना, बट इसमें सिलेक्शन सिर्फ A2 से किया ना हमने। अब मुझे यहाँ पे इसी को इंडेक्स के अंदर रखना है, किसके अंदर, इंडेक्स, इंडेक्स लगा लीजिए, ऑफसेट लगा लीजिए, और डेटा को सिलेक्ट किया और बोला कि रो नंबर हमारा मैच डेटा। तो ये देखिए एक ऐसा भी लुकअप टाइप बन गया जो कि अगर वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 57 है तो 57 दिखाएगा, 59 पे 59, 58 तो 57 दिखा रहा है, 60 करता हूं तो 62 दिखा रहा है, क्योंकि 62 60 के नियरेस्ट हमारा 62 है। तो एरे फॉर्मूला को शायद आप समझ पा रहे होंगे कि एरे फॉर्मूला क्या होता है, एक लगाने का तरीका है, जो काम मैनुअल फॉर्मूला नहीं कर पा रहा है उसको एरे के थ्रू आसानी से कर रहा है। चलिए एक सिंपल सा और फॉर्मूला देखते हैं जो कि सब जगह पूछा जाता है, जैसे कि मैंने यहां पे 1 2 3 4 लिखा, मुझे इसको आपस में क्या करना है, सम करना है, 1+2+3+4 कैसे करें, तो इसके लिए हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, मिड का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड में हम टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां मुझे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 चाहिए, मतलब कि पोजीशंस, यहां हम सिक्वेंस देते हैं, क्या देते हैं, सिक्वेंस। सिक्वेंस में हमने बोला रो नंबर क्या होगा, जितना इसकी लेंथ होगी, और कॉलम में स्टार्ट 100 होगा और एक एक का स्टेप होगा, यहां पे कॉपी कर लिया और यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर 1 कर दिया, एंटर मारा, रिजल्ट 0 आएगा, 5 4 6 3 किया, रिजल्ट 0 आया, क्यों आया 0, एक सिंपल सा प्रॉब्लम के कारण। देखिए क्या है कि पहले क्या करता है, देखिए पहले सीक्वेंस फॉर्मूला लेन से रिटर्न मांगता है, लेन ने बोला कि इसकी लेंथ 4,
सीक्वेंस फॉर्मूला एक से लेकर चार तक टूट गया। अब मिड को चार इनपुट मिले तो चार बार मिड चला और चार अलग रिजल्ट दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो रिजल्ट मिड फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला, और टेक्स्ट फॉर्मूला हमेशा रिटर्न करता है किसमें, नंबर्स में, सॉरी टेक्स्ट में, जिस कारण से ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने क्या किया कि वैल्यू का एक फॉर्मूला याद होगा मैं बताया था आपको, तो वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए कि आपके सामने 18 आ गए। क्या आ गया? 18 आ गए यहां पे। क्लियर है? तो यार इसको आपस में सम कर, क्या कर दिया, सम दो। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, मुझे हर नाम के बाद डैश लगाना, क्या लगाना है, डैश, मतलब कि एस डैश, यू डैश, जे डैश, ई डैश, ई डैश, एफ, सॉरी टी, इस तरह से। तो यहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन का। टेक्स्ट ज्वाइन में मैं यहां पे दूंगा डैश, यहां पे दूंगा ट्रू, और यहां दूंगा मिड का फॉर्म, वही फॉर्मूला जो अभी थोड़ा देर पहले लगाया है, और यहां पे दूंगा कि सीक्वेंस वन, यहां पे लेंथ, जितना इसका लेंथ होगा उतना होगा फॉर्मा, वन से स्टार्ट हो, वन हो, तो एक एक का स्टेप हो, और कॉमा वन करके एंटर मार, ठीक है। तो इस तरह से इसने कर दिया। जो काम नॉर्मल एक्सेल से नहीं होता है उस काम को हम क्या करते हैं, उस काम को हम एरे के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब चलिए हम यहां रिपोर्ट ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते हैं। किसके तरफ बढ़ते हैं? रिपोर्ट ऑटोमेशन। अब कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट है जिसको हम यहां पे ऑटोमेट करें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा आया, ठीक है, तो डेटा एक मान लीजिए स्टेटमेंट पीडीएफ में आया, उसको मैंने कन्वर्ट किया, तो यहां पे डेट है, क्या है, डेट है, डेट आएगा, डेट के नीचे आएगा फ्रॉम, सेमी कॉलन हो, कॉलन होगा सुजीत, ये पैसा सुजीत के यहां से आया है, ठीक है, और बाय अकाउंट आया है, सॉरी यहाँ पे चेक आया है, और चेक नंबर ए है, और अमाउंट 500, ठीक है, और HDFC बैंक में गया है, ठीक है। अब इस तरह का रो एंड कॉलम में डेटा आ रहा है, और उसका कोई मुझे गारंटी नहीं है कि ए कितना बड़ा डेटा हो सकता है। अब डेट अलग अलग भी हो सकते हैं, दो कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ पे 15 कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, 20 कर देते हैं। ऐसे लाखों में डेटा है, ठीक है। अब चेक की जगह पे यहाँ पे डीबी हो सकता है, चेक नंबर चेंज हो सकते हैं, डी नंबर चेंज हो सकता है, अमाउंट यहाँ पे 45 होगा, यहाँ पे 65 होगा, ऐसे रफली डेटा मैंने बना लिया। आप इमेजिन कीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है। अब इतने पर ऐसे इस तरह के डेटा आपके पास आया है, अब इस तरह के डेटा पे तो कुछ होगा नहीं, क्या कुछ होगा,
अब मुझे इस डेटा को कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से, सीरियल नंबर, डेट फ्रॉम, चेक नंबर, मोड, चेक, चेक नंबर, चेक्स नंबर, या फिर जो भी नंबर हो, नंबर एंड देन अमाउंट एंड बैंक। कैसे करें ऑटोमेटिक, मुश्किल है ना? एक-एक करके करेंगे तो वो टाइम लगेगा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब इसे मान लीजिए कि कुछ और भी चीजें हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास इज डेट का फॉर्मूला नहीं, बट इज नंबर का फॉर्मूला है, क्योंकि डेट भी एक नंबर होता है, तो आएगा ट्रू। क्या आएगा? ट्रू आएगा। अभी से मान लीजिए कोई नरेशन वरेशन हुआ, कुछ इस तरह से लिखा हुआ, तो उसको इग्नोर कर। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे सिंपल, कि अगर इज नंबर इक्वल टू ट्रू, प्रॉब्लम ये है कि ब्लैंक भी ट्रू आए, ब्लैंक फॉल्स फॉल्स आएगा, सॉरी नंबर होगा तो आएगा, अगर ब्लैंक फॉल्स आएगा। यहां पे हमने कंडीशन दिया इफ, अगर ऐसा हुआ तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दो, कि मैक्स 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 का लगाया फॉर्मूला यहां पे, प्लस वन, नहीं तो ब्लैंक कर दो। हमने बोला कि अगर इज नंबर है, मतलब इज नंबर इक्वल ट्रू है, मतलब कि कोई इस पे डाला हुआ डेट है, नंबर डेट है, तो यहाँ पे ट्रू हो तो मैक्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है उसके ऊपर तक मैक्स का फॉर्मूला लगाओ, उसे प्लस वन करो, और हमने पहले वाले मैक्स को यहाँ पे फ्रीज कर दिया, और फिर इसको लेके नीचे की तरफ जहां तक डेटा है वहां तक कर लिया ड्रैग। तो देखिए सिक्वेंस नंबर जस्ट डेट के सामने ही आया। अब यहां पे मैं मैन्युअली वन लिखता हूं, यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला कि अगर इसमें प्लस वन करने पे ग्रेटर देन मैक्स, हुआ तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज ऊपर वाले में प्लस वन कर दो। इफ क्लासेस में ये फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, और फिर यहां नीचे ट्रैक करने से पहले वही इफ एरर, ताकि ब्लैंक ना हो, कॉमा ना दे। अब इसको नीचे तक ड्रैग, तो पांच सी नंबर आ गया। अब यहां मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पे कॉमा कॉमा 2,0 पर, तो सारा डेटा आ जाएगा इसमें। अब फ्रॉम तो नहीं आएगा, मोड आएगा। वी लुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया और यहां पे गया, तीसरा है, तीसरा 0,0, तीसरा नहीं चौथा है, चौथा 0,0। बस इसमें होगा कि रो यहाँ पे कॉलन जो है ना वो फिक्स है, एक कंडीशन यही है, दो कंडीशन पे है ऑटोमेशन हो रहा है। एक तो है कि डेट डेट जो है यहाँ पे डेट होगा, डेट की एक कॉलन बाद जो है चेक नंबर होगा, उसके अगले बाद यहाँ पे बाकी चीज होगा, और डेट के जस्ट नीचे के अगले कॉलन में फ्रॉम होगा, और उसके बाद तीन कॉलन बाद जो है आपका क्या होगा, बैंक होगा। एक पैटर्न है, क्योंकि ऑटोमेशन बगैर पैटर्न का नहीं होता है। तो यहाँ पे ये यह हमारा चेक नंबर चेक आ गया। अब यहीं पे मैं अगेन वी लुकअप लगाता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, 5,5,1 मिनट, सी नंबर को दिया 5,0, यहां पे अगेन वी लुकअप, इसको सेलेक्ट 6,0,
सही, तो बाबा सीधे में लगाना भूल जाते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि बाकी डिटेल्स तो आ गए, लेकिन फ्रॉम कैसे आया? तो मुझे यहां लगाना होगा मैच का फॉर्मूला। किसका? मैच। मैच फॉर्मूला बताएगा कि पूरे कॉलम में इसका क्या रो नंबर है। फिर इस मैच फॉर्मूले को हम डालेंगे किसमें? ऑफसेट में। ऑफसेट यहां सेलेक्ट कर लिया। हमने बोला कि मैच प्लस वन, माने कि मैच वाली रो एंड अगली कॉलम। तो यहां आप देखेंगे कि जीरो है। ओके, अगली कॉलम तो जीरो ही होगा ना, यहाँ पे दो कॉलम देना पड़ेगा। टू आ गया फ्रॉम सुजीत, बट मुझे इस तो इसमें सुजीत चाहिए, फ्रॉम नहीं चाहिए। तो यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट आफ्टर और बोलेंगे कि यहां पे सेमी कॉलन के बाद का जो डेट है वो तो यहां का ये रहा आपके सामने। और सॉरी, नीचे ड्रैग कर रहा, यहां पे फ्रीज करना पड़ेगा, A1 को फ्रीज कर। ठीक है, अब फ्रॉम सुजीत है, यहां पे फ्रॉम सुजीत के जगह पे फ्रॉम मोहन कर देता हूं, यहां मोहन का डेटा आ जाएगा, यहाँ फ्रॉम कवि कर देता हूं तो कवि का डेटा है। और जैसे मैंने ये यहां लिया है, सेम चीज यहां पे आपको बैंक मिलता है। बैंक में हमें यहां बोलना होगा, और यहाँ पे टू है, 3 4 5 6, जहां पे मैनुअली हमें टू लिखा था वहां पे करना होगा 6। हाँ, इट टेक्स आफ्टर के बाद 6 ही होगा। इट टेक्स आफ्टर यहां से हटाना होगा ना, क्योंकि तो टेक्स आफ्टर में तो है ही नहीं ना, डायरेक्ट दिखाना है आपको। ठीक है, नीचे तक जाए। अब ऐसा लाखों डेटा होगा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, समझे सर? लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस, अदरवाइज सारा सर के ऊपर से निकल जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आज की रिकॉर्डिंग और फाइल मैं आपको भेज